नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से आपके YouTube चैनल सेल्फ हेल्प में स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं त्रिकोणमितीय सरसमीका के बारे में। इससे पहले हमने त्रिकोणमिति के अनुपातों के बारे में चर्चा की थी। आज हम जो कक्षा 10 का टॉपिक है उसमें तीन सरसमीकाएं हैं, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, चर्चा करने से पहले कुछ जो सरसमीका के लिए अति आवश्यक है उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो बात इस प्रकार से देखिए, आपका जैसे कि त्रिभुज है, ये सारी सरसमीकाएं होती है समकोण त्रिभुज के ऊपर आधारित होती है। यहाँ पे जैसे कि ये समकोण त्रिभुज है आपका दिया हुआ ABC, यहाँ समकोण है और ये थीटा दिया है, एक कोण आपका थीटा दे रखा है। इसमें ये आपका आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। एक चीज ध्यान रखिएगा आप हमेशा, जिस थीटा की हम बात करते हैं उसके सामने जो भुजा होती है, जैसे एक के में थीटा ए है, इसके सामने भुजा ये आपकी BC है, तो हमेशा इसके सामने वाली भुजा ही लंब होती है। दूसरी ये कर्ण, कर्ण निश्चित होती है, कर्ण जो होती है 90 डिग्री सामने भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। और तीसरी भुजा बची है उसको हम आधार के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से हमें संपूर्ण त्रिभुज के अंदर पहले ये ज्ञात होना चाहिए कि लंब कौन सा है, कि थीटा के सामने भुजा है वो लंब है, और कर्ण जो आपका समकोण या 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा है वो हमेशा ही कर्ण होती है। तीसरी भुजा बच जाती है उसको हम आधार के नाम से जान लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज के बाद आ गई, इसके बाद हम देखते हैं कि इन भुजाओं का अनुपात है, दो दो भुजाएं के अनुपात, कोई सी दो भुजाओं के अनुपात को हम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा के रूप में जानते हैं। अब देखिए, हम अभी साइन थीटा जो अपने पास है, हम साइन थीटा जो लेते हैं किस किस भुजा का अनुपात है उसको हम एक छोटे से सूत्र के द्वारा ध्यान में रख सकते हैं या याद रख सकते हैं। जैसे हिंदी मीडियम पढ़ने वाले क्या करते हैं, इस सूत्र से याद कर सकते हैं। देखिए, लाल बटा कक्का, ये है आपका लाल, LAL लाल बटा कक्का, ये आपका साइन थीटा का सूत्र हो गया। यानी लाल का मतलब, ले का मतलब लंब है, यहाँ पे देखिए लंब लिखा हुआ, के का मतलब कर्ण है, यानी दो भुजाएं आपके पास लंब बटा कर्ण है तो वो साइन थीटा का अनुपात होगी। ये आपका अगर आधार बटा कर्ण है तो ये कोस थीटा का अनुपात होगी, और ये लंब बटा आधार है ये टेन थीटा का अनुपात है। इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए ये आपका लंब है, लंब बटा कर्ण। उसी प्रकार से हम आगे इसको लिख सकते हैं, आपका आधार बटा कर्ण, और छोटे रूप में हम इसको इस प्रकार से भी L बटा K और इसको A बटा K, और इसी प्रकार से टेन थीटा का लिखते हैं हम आपका लंब बटा आधार। ठीक है ना दोस्तों, यही चीजें इसमें अधिकतर काम आएगी अपनी। और अब देखिए अपने पास क्या है, ये इनका उल्टा है, ये जो टेन का उल्टा कोट होता है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं आगे, ये आपका लंबटा आधार है, ये L है, लंबटा आधार हो गया। अब हम इसको जो लिखते हैं, ये आपका जैसे कि ये है, टेन का उल्टा कोट होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, और इसका उल्टा कोसेक होता है। हमें क्या करना है, बस ये तीन मान अगर अपने को याद हो गए, लाल बटा कक्का, हम इसका क्या करें, टेन का उल्टा कर लो बस, ये आपका आधार बटा लंब हो जाएगा, और ये ए अपॉन एल हो जाएगा। सेक कोस का उल्टा कर लो तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण का मतलब के, ए का मतलब आधार हो गया। और कोसेक यानी साइन का उल्टा, तो ये आपका कर्ण बटा लंब हो जाएगा, के बटा एल। अब मैंने इसे, ये आपके अनुपात है, और हम मैंने एक सूत्र और लिखा हुआ, देखो PBP, यानी इसका मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी का मतलब परपेंडिकुलर, या हिंदी में इसको लंब कहते हैं। बी का मतलब बेस यानी आधार, इसका मतलब हाइपोटेन्यूस,
कर्ण। इस प्रकार से अगर आप इसको बड़ी आसानी से और रोमांचक सूत्र भी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से ये इंग्लिश मीडियम वाले याद रख सकते हैं और लाल बट्टा कक्का हिंदी मीडियम वाले याद रख सकते हैं। अब हम आते हैं कि ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब त्रिकोणीय सर्व समीकरण यहाँ पे किस प्रकार से आती है। तो हम बात करते हैं इस त्रिभुज की, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, जैसे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम इस त्रिभुज की बात करते हैं, तो त्रिभुज के अंदर देखिए अपने पास क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आधार कर्ण का मतलब के स्क्वायर और लंब का मतलब एल का स्क्वायर और आधार का मतलब एक का स्क्वायर। अब यहां पे अपने पास क्या करना, जैसे आपके पास कर्ण क्या है, एसी है, मैंने एसी लिख दिया। लंब कितना, बीसी है, बीसी लिख दिया। प्लस आपका आधार कितना है, एबी है। यहां से देख रहे हैं हम एबी, आधार पर भी एबी लिख दिया। अब हमें तीन सर्व समीकरण हैं, उन्हीं को इसके द्वारा ज्ञात करना है। वो किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, देखिए मैंने पाइथागोरस प्रमेय लिखी है। अब हम क्या करते हैं, ये जैसे इसमें ऐसी है, हम दोनों पक्षों को एसी स्क्वायर से भाग देते हैं, देने पर ठीक है भाग देंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, इधर एसी का स्क्वायर बटा एसी का स्क्वायर, इधर बीसी का स्क्वायर अपॉन एसी का स्क्वायर और इधर एबी का स्क्वायर, ये बीच में प्लस है, प्लस लगाना है, एबी का स्क्वायर अपॉन एसी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब एसी से एसी तो अपना कट जाता है, इधर क्या बचता अपने पास, एक इधर अपने पास देखिए इसको मैं लिख देता हूं बीसी अपॉन एसी का होल स्क्वायर प्लस एबी अपॉन एसी का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिख दिया। अब देखिए आपके पास इसको आगे लिखते हैं तो अपने पास एक बराबर बीसी, बीसी क्या है आपका, ये देखिए बीसी लंब है ना, लंब यानी कि मैं यहां पे एल लिख देता हूं लंब। एसी क्या है, कर्ण है, मैंने के लिख दिया, का होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपका एबी, एबी क्या है, आधार है, ये मैंने प्लस लगा के ए लिख दिया बटा एसी का मतलब कर्ण हो गया, ये कर्ण है, का होल स्क्वायर लिख दिया। होल स्क्वायर इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहां भी बीसी स्क्वायर एसी स्क्वायर दोनों का स्क्वायर, इसलिए यहां पर हमने होल स्क्वायर लिख दिया। अब देखो साथियों अपने पास देखिए लंब बटा कर्ण, इसमें से हम देखते हैं लंब बटा कर्ण किस में आता है, ये देखिए आप साइन थीटा के अंदर लंब बटा कर्ण आ रहा है। तो हम यहां पे क्या करते हैं, इसको बराबर एक है, इसको साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं प्लस आपका आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण किस में आ रहा है, देखो आपका कोश के अंदर, कोश में है आपका आधार बटा कर्ण है, तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कोश थीटा का होल स्क्वायर। अब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोश स्क्वायर थीटा और इसको बराबर एक, या हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोश स्क्वायर थीटा बराबर एक, ये आपकी पहली सर्व समीका हो गई। इस प्रकार से हमने पहली सर्व समीका को प्रूव कर दिया कि इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। हाँ, तो अपने पास क्या दूसरी चीज लेते हैं, वो हमने पहली सर्व समीका हमने ज्ञात कर लिए, उसका प्रूफ भी कर लिया। अब हम दूसरी करते हैं, तो वही चीज है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, ये जो पहले लिखा वही लिखना है। पहले हमने एसी से भाग दिया था, अब हम आधार यानी एबी से भाग देते हैं दोनों पक्षों को। अगर एबी से भाग देते हैं तो अपने पास एसी का स्क्वायर,
एबी का स्क्वायर बराबर बीसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर अपॉन एबी का स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों तो कट जाते हैं अपने पास। अब अपने पास यहां पे मैं लिख देता हूं एसी अपॉन एबी का होल स्क्वायर बराबर बीसी अपॉन एबी का होल स्क्वायर प्लस एक। ठीक है, अब एसी आपके पास क्या है, कर्ण है। मैंने यहां पे लिख दिया के कर्ण, और एबी आपके पास क्या, आधार। ये है आधार का होल स्क्वायर बराबर आपके पास बीसी आपका लंब है एल बटा एबी क्या है आपका आधार है ए का होल स्क्वायर प्लस ये एक है। अब देखिए आपके पास कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार कहाँ है, तो यहां पे देखिए आपका सेक थीटा, मैंने कहा ना कर्ण बटा आधार कहाँ है, ये सेक थीटा, ये आपका सेक थीटा में कर्ण बटा आधार यानी कोस का उल्टा है। तो हम यहां पे क्या लिख देते हैं, इसकी जगह सेक थीटा का होल स्क्वायर लिख देते हैं। आगे आपका लंब बटा आधार है, लंब बटा यानी टेन में देखिए आप लंब बटा आधार है अपने पास। ये सूत्र हमें अगर याद है बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस वन। इस प्रकार से हम इस सरल समीकरण को इस प्रकार से लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी दूसरी सरल समीकरण हो गई। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी सरल समीकरण में याद करनी है। तो हमारे पास देखिए क्या है, यहां जो है ऐसी वही आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। अब इन दोनों पक्षों में हमने क्या, पहले एसी का दिया फिर बीसी का दिया फिर एबी का दिया, अब हम बीसी का भाग देते हैं। तो एसी स्क्वायर अपॉन बीसी स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर बटा बीसी स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर प्लस, बीच में प्लस है प्लस लगाएंगे, एबी स्क्वायर अपॉन बीसी स्क्वायर। ये इस प्रकार से हम इसमें भाग देते हैं। अपने पास देखिए क्या हो गया, ये ए बी ए सी बटा बी सी का होल स्क्वायर बराबर बी सी से बी सी तो कट गया अपना, तो एक रह गया प्लस ए बी बटा बी सी का होल स्क्वायर रह गया आपका। अब हम आगे बात करते हैं, देखिए यहां पर जो है तो यहां पर देखिए अपने पास ए सी है, ए सी का मतलब कर्ण हो गया। मैं यहां लिख देता हूं कर्ण बटा आपका बीसी, बीसी का मतलब लंब है ये एल है बराबर आपका एक है एक लिख दिया प्लस एबी, एबी का मतलब आपका आधार है ये आधार बटा आपका बीसी, बीसी का मतलब लंब है ये होल स्क्वायर है, और इधर भी आपका होल स्क्वायर यहां से देखेंगे तो होल स्क्वायर लगा देंगे। अब अपन बात करते हैं कि अपने पास कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब आपका देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा कहाँ है, कोसेक स्क्वायर थीटा में आपका कर्ण है बटा लंब है। हम यहां पे क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर वन प्लस आधार बटा लंब, देखिए टेन का उल्टा कोट है जिसमें आधार बटा लंब है, हम यहाँ पे क्या करेंगे कोट थीटा लिखते हैं, कोट थीटा का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी तीसरी सरल समीकरण हो गई। ठीक है दोस्तों, हाँ तो साथियों अपने पास क्या है, जो मुख्य रूप से तीन सरल समीकरण होगी अपनी, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा बराबर इज इक्वल टू वन। ठीक है, और दूसरी आपकी है जो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा, और तीसरी आपकी सरल समीकरण है वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी सरल समीकरण से आपकी छह और सरल समीकरण बन जाती, मूल रूप से तीन है,
इसी का रूप बदल के हम और बना सकते हैं। जैसे इसका रूप बदलते हैं, इसको हमने उधर पक्षांतरण कर दिया तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रह गया। अब वापस अगर ये कोस को हम पक्षांतरण करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। इसमें भी उसी प्रकार से आपका, जैसे मैंने इसको एक को पक्षांतरण किया तो टेन स्क्वायर इधर रह गया, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। और मैंने अगर टेन को पक्षांतरण किया तो सेक स्क्वायर थीटा और ये टेन उधर गया, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 रह गया। इसी प्रकार से तीसरी सरल समीकरण है, इसको भी हम दो और रूप में लिख सकते हैं। वो इस प्रकार से देखिए, मैंने जैसे कि कोसेक स्क्वायर थीटा है, इस एक को उधर पक्षांतरण किया तो एक उधर जाएगा माइनस 1 हो जाएगा और बराबर अपने पास क्या जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसी प्रकार अगर मैंने इस कोट को पक्षांतरण किया तो कोसेक स्क्वायर थीटा पहले से है माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपकी तीन मूलभूत से सरल समीकरण हैं। इसी के ऊपर बेस आपके सारे के सारे प्रश्न हैं। उन प्रश्नों के ऊपर हम अब चर्चा करते हैं। तो अपना प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न पे अपना पहला जो लिखा है कि कोण थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि आपको क्या करना है, साइन थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, इन सब को आपको सेक के रूप में लिखना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कोस लिखते हैं, जैसे मैंने ये कोस थीटा लिखा इज इक्वल टू होता अपने पास एक बटा सेक थीटा, क्योंकि कोस का उल्टा सेक थोड़ी देर पहले हमने देखा था। और इसका जो होता है, कोस का जो मान होता है आपका लाल बटा कक्कर से आप याद कीजिए, लाल का मतलब लाल एल एल आधार बटा कर्ण है, यही होता है आधार बटा कर्ण। ये ए है और ये के है, ये हमने अभी भी पढ़ा इसी वीडियो में। तो अब हम इससे बात इसकी बात करते हैं। इसके अनुसार देखिए, आपका आधार जो है एक है, यह आधार आपका क्या है a इज इक्वल टू 1 और कर्ण अपना sec थीटा, कर्ण इज इक्वल टू अपने पास sec थीटा हो गया। अब हमें चाहिए इसका लंब चाहिए, तो पाइथागोरस प्रमेय से मैं लिखता हूं यहां पर जैसे k स्क्वायर, या मैं सीधा ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो कर्ण अपने पास क्या है, जो लंब आपके पास अपने को ज्ञात करना है, तो ये आपका लंब एल लिख दिया मैंने, और प्लस आधार आपका एक है, एक का स्क्वायर बराबर कर्ण अपना क्या है सेक स्क्वायर, सेक थीटा है इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। अब हम इसको आगे लिखते हैं, एल स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये एक है उधर पक्षांतरण हो गया माइनस एक आ गया, एल बराबर अपने पास हो गया अंडर दी रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो लंब अपने पास हो गया अंडर दी रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, आपका ये लंब हो गया। अब आपके पास तीनों भुजा आ गई, हम बड़ी आसानी से सारे के सारे सब अनुपात है ज्ञात कर सकते हैं। कोस का हमने ज्ञात कर लिया, अब जैसे हम ज्ञात करते हैं साइन का, जो दूसरा अनुपात है अपना साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, ये आपका लंब बटा कर्ण, लंब कितना है इसमें अंडर दी रूट सेक स्क्वायर, अंडर दी रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कर्ण कितना है आपका सेक थीटा, ये सेक थीटा हो गया। ठीक है, आपको याद करना है, ये आपका पहला दिया था, दूसरा ये हो गया। अब हम याद करते हैं टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है अपने पास लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब आपका कितना है अंडर द रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन आधार आपका एक है, तो ये एक है तो एक जैसे एक लिखने की जरूरत नहीं है, लिखे तो भी अच्छी बात है, आपका टेन हो गया। अब कोट चाहिए अपने को, कोट कोट थीटा,
कोट जो होता है क्या है, टेन का उल्टा होता है, सीधा यहीं से लिख सकते हैं, एक याद हो गया, इसी से याद कर सकते हैं। तो इसको अंडर दी रूट सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन बटा वन है, तो हम इसको वन अपॉन अंडर दी रूट अपना जो टेन का उल्टा कर रहे हैं, अंडर दी रूट वन अपन है, वन ऊपर चला जाएगा, वन अपॉन और नीचे हो जाएगा सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये आपका कोट का हो गया। इसी प्रकार से साइन का चाहिए अपने को, साइन कोसे का चाहिए, साइन का उल्टा होता है, हम क्या करते हैं इसका उल्टा कर लेते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू, तो इसका उल्टा करेंगे तो अपने पास सेक थीटा अपॉन अंडर द रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये आपका हो गया। इस प्रकार से आपको करना क्या है, दो चीजें याद करनी, फिर इसका उल्टा लिख देना, सीधी सी बात, साइन कोस और सेक एक हो गया, दूसरा आपका साइन का उल्टा कोसेक हो गया, टेन का उल्टा कोट हो गया, हमने साइन याद किया कोसेक इसका उल्टा करके लिख दिया, टेन याद किया कोट इसका उल्टा करके लिख दिया, ठीक है साथियों। तो साथियों अपना प्रश्न नंबर दो है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन थीटा सेक थीटा टेन थीटा को कोट के पदों में व्यक्त कीजिए, हमने पहले किया वैसा ही है, कोट के रूप में लाना हमें, हम लिखते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कोट थीटा इज इक्वल टू अपना होता है टेन का अनुपात जो होता है लाल बटा कक्का से हम देखते हैं तो आपका लंब बटा आधार, ठीक है ना, आपका लंब आपका यहां से देखते हैं तो लंब आपका एक हो गया और आधार आपका कितना हो गया, ये इज इक्वल टू कोट थीटा हो गया। इस प्रकार से हम कर्ण को याद करते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर ये अपन कर्ण है, हम याद करें इसको के लिख देता हूं, के का स्क्वायर, लंब आपका कितना है एक, प्लस आधार कितना है कोट, कोट थीटा, अब का यहां स्क्वायर लिखा हुआ ये स्क्वायर लिख दिया हमने, ठीक है, और के इज इक्वल टू अपने पास अंडर दी रूट वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो गया, यानी कर्ण जो आया अपने पास अंडर दी रूट वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो गया। इस प्रकार से अपने तीनों भुजाएं यार ज्ञात हो गई, अब हमें ज्ञात करना है, देखिए पहला है साइन थीटा, हम ज्ञात करते हैं, लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन में आपका क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, आप पहले सीधे लाल बटा कक्का से ये लिख दीजिए लंब बटा कर्ण, यानी लंब आपका क्या है यहां पे एक है, एक लिख दिया बटा कर्ण, कर्ण क्या है आपके पास वन अंडर दी रूट वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये आपका साइन थीटा हो गया। अब आपको चाहिए दूसरा अनुपात, पहला अनुपात त्रिकोण अनुपात आ गया, दूसरा चाहिए आपका सेक थीटा, ये सेक थीटा, सेक जो थीटा है वो कोस का उल्टा होता है, कोस का होता है आधार बटा कर्ण, तो ये कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण आपका अंडर दी रूट वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा है, आधार आपका कोट थीटा है, ये आपका सेक थीटा हो गया। अब अपने को चाहिए टेन थीटा, टेन थीटा को हम पहले ही लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कोट थीटा हमने लिख रखा है। तो साथियों अपना तीसरा प्रश्न है वो सरल समीका के ऊपर आधारित है, हम इसको इसमें दो पक्ष दे रखे हैं, एक तो LHS दाया पक्ष बाया पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, हमें इनको हल करने के लिए दो चीजें होती है, या तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड पे जो लिखा वो आ जाता है, या फिर दोनों पक्षों को एक साथ लेके चलते हैं और दोनों ही पक्ष बराबर आ जाते हैं, हम इसको इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, दाएं पक्ष को लेके चलते हैं, इसमें देखिए अपने पास ये दिया हुआ है, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा, ये हमने लिया। अब यहां पे देखिए दोनों ही आपके पास उभयनिष्ठ है कॉमन है, तो कोस स्क्वायर थीटा मैंने बाहर ले लिया, अंदर बजाय यहां वन और यहां बच गया मेरे पास कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, अब कोट को कोस स्क्वायर थीटा है बाहर जैसा है वैसा लिख देंगे, वन प्लस इसको लिख देते हैं अपने कोट जो होता है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए अपना ये कोस थीटा अपॉन साइन थीटा,
क्योंकि टेन का होता है साइन अपॉन कॉस, तो यहां पे चूंकि यहां आप कोष्टक में भी लिखते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इस प्रकार से लिख दें तो वो अच्छी बात है। इसका क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये कोष्ट के अंदर हो जाएगा आपके पास। इस प्रकार से अगर हम वापस इनका लघुतम लेते हैं अंदर, तो इसके नीचे तो एक मानते हैं और इसके ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसका भाग देते हैं साइन, तो साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर को एक से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस है प्लस, और साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर में भाग देते हैं तो अपने पास एक आएगा, एक को इससे गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और अपने पास ये हो गया। अब अपने पास देखिए पहली सर्वसंख्या हमने पढ़ी थी वो इस प्रकार से थी कि आपका, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये हमने पढ़ा था पहली सर्वसंख्या। उसके अनुसार मैं यहाँ लिख देता हूँ इन दोनों को मिला के कि कॉस स्क्वायर थीटा तो बाहर ही है इनटू इन पूरे की जगह एक लिख दिया, बटा अपने पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो अपने पास ये ऊपर हो गया अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं इस प्रकार से लिखता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि दोनों जगह स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कोट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे जो उपयोग किया उसी चीज को हम उसी चीज का उपयोग करते हैं, तो यहां पे अपने पास हो जाएगा ये कोट स्क्वायर थीटा, ये बराबर अपने पास आर एच एस आ गया, यानी कि जो चीज अपने को लानी है इस पक्ष में जो अपने को लेके आनी है कोट स्क्वायर थीटा, वो हम लेफ्ट हैंड लेके चले और राइट हैंड साइड पे बराबर कोट स्क्वायर थीटा आ गया। इस प्रकार से अपनी ये सर्वसंख्या सिद्ध हो गई। तो अपना चौथा प्रश्न है कि सेक थीटा कोष्टक में वन माइनस साइन थीटा फिर कोष्टक में सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू वन, दोनों पक्ष है, हम लेफ्ट हैंड लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड दायां पक्ष। अब इसमें जो अपने दे रखा है देखिए इस प्रकार से सवाल आता है, हम क्या करते हैं जो सेक है कोसेक है चाहे टेन है कोट है सबको साइन और कोस में बदल देते हैं, जैसे ये सेक सेक है इसको मैंने कोस में बदल दिया वन अपॉन कोस थीटा हो गया, ये वन माइनस साइन थीटा जैसा है वैसा का वैसा लिख दिया। अब यहाँ पे सेक थीटा है इसको मैंने वन अपॉन कोस थीटा लिख दिया प्लस टेन थीटा जो है वो आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इस प्रकार से लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू अपने पास होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, उसी प्रकार कोस का उल्टा होता है वन अपॉन सेक, तो सेक को लिख दिया हमने वन अपॉन कोस, ये कोष्टक में हम इस प्रकार से डाल दें ताकि एग्जामिनर जो चेक करता है उसको मालूम चल जाता है इस बार बच्चे को ये पूरा पूरा ध्यान में है तभी इस प्रकार से लिख रहा है। अब हम लिखते हैं बराबर वन अपॉन कोस थीटा वन माइनस साइन थीटा कोष्टक में बंद, इनका हम लघुतम लेते हैं तो कॉस थीटा लघुतम आ गया, ठीक है ना, कॉस लघुतम सेम है ये और ये सेम है तो ऊपर जो संख्या है वो भी सेम आ जाएगी, बीच में जो चिन्ह लगा हुआ वो आ जाएगा, ठीक है। अब अपने पास देखिए एक सूत्र हमने पढ़ा है ए माइनस बी कोष्टक में ए प्लस बी फिर कोष्टक में बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बीजगणित का सूत्र है। इसमें आप ए आपका एक है बी आपका साइन थीटा है, एक बार बाकी है दूसरी बार जोड़ है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख देते हैं जो अपना ये वन अपॉन कॉस थीटा और इज इक्वल इनटू अपने पास हो जाएगा वन का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख दिया। लेकिन अब देखिए एक सर्व समीका हमने पढ़ी थी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, इसी से हम इसको वन माइनस साइन स्क्वायर को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इसको देखिए वन अपॉन कॉस थीटा इंटू
आपके पास वन स्क्वायर है, वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो मैं इसको लिख देता हूं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। और ये जो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा है इस सर्व समीकरण से अपना हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। और ये जो नीचे है, नीचे कोस और कोस दोनों को गुणा के अपने पास कोस स्क्वायर थीटा बन जाएंगे। अब देखिए ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या है आपके पास, कोस स्क्वायर थीटा है। इस प्रकार एरो के निशान लगाते चले ताकि ध्यान में रहे अपना अगला स्टेप कौन सा चल रहा है। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया, इस प्रकार ये इम्प्लाई करता एक आ गया, बराबर अपने पास क्या आ गया आर एच एस, यानी कि हम लेफ्ट हैंड। तो इस प्रकार से यहाँ हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और राइट हैंड साइड आ गई। इस प्रकार से साथियों आप हमारे चैनल पर बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें।